नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर लंबी जाएगी। लगता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। आए दिन ऐसे कुछ न कुछ घटना हो जाती है जहां सरकार और प्रशासन के आदेश आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। इसी तरह का एक मामला फिर सामने आया है। कल ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की शर्त को रखा था। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम सुभग सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात को नकारते हुए नजर आए कि सरकार ने इस तरह के कोई भी आदेश पास करने की बात कही है। आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया संवाददाताओं से। लोगों को लेकर मोमेंट है सर, उसको लेकर गाइडलाइन क्लैरिटी नहीं है। क्या जिनको डोजेज लग गए हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, उसके अलावा क्या बॉर्डर पर चेक नहीं? उसमें हमने दो ही चीजों के लिए कहा है। एक तो ये है कि जिनको डोजेज दो डोजेज वैक्सीन की लगी है उनके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, अगर वो नहीं किया है तो उस सूरत में आरटीपीसीआर कर लेंगे। इफ एट ऑल अगर ऐसी सिचुएशन में भी आरटीपीसीआर भी करने का किसी को मौका नहीं मिला है तो वो जो है वो तुरंत जो है जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट लेकर के पंजीकरण वाली बात सर, ये रजिस्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर लंबी जाएगी।